हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो तो है ही, साथ ही जो प्लांट लवर हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे टाइम टाइम पे पूछते रहते हैं कि छोटे वाले गमलों में किस तरीके के फूल लगाने चाहिए, कि किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए। और देखिए, हम क्या करते हैं, जब नया नया गार्डनिंग का शौक़ होता है तो हम बहुत सारी नर्सरी से पौधे खरीद करके ले आते हैं और उनको लगा लेते हैं, और उनमें से कुछ चलते हैं और कुछ नहीं चलते हैं। ठीक है, तो जो नहीं चलते हैं कुछ टाइम के बाद में तक तो वो ठीक रहते हैं, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं, फिर मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा मन भी बड़ा उदास होता है और जो गार्डनिंग करने का जो जोश होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। तो वो जोश बना रहे, आपके पौधे हरे भरे रहें और सुंदर रहें फूल पौधे सब, उसके लिए आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगी जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे जो हैं, आप बड़े गमलों में कौन से लगाने चाहिए और छोटे गमलों में कौन से लगाने चाहिए, ये सभी आज के वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आज का टॉपिक है छोटे गमलों में किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसमें आप डिसाइड करें कि आपको फूलों वाले लगाने हैं या परमानेंट प्लांट लगाने हैं या पत्तों वाले लगाने हैं। ठीक है, तो फूलों वाले जो होते हैं वो सीजनल प्लांट होते हैं। सीजनल प्लांट में आपके बहुत सारे फूल वाले पौधे आ जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने भी लगाए हुए हैं, कैलेंडुला है, डायंथस है, पेंजी है, और ये पिटूनिया है, मैरीगोल्ड है। तो इस टाइप के फूल वाले जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, एक सीज़न तक रहते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। तो ये भी है। और दूसरे, अगर आप परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं तो जैसे कि जेरेनियम है, कलांचू है, हिबिस्कस है, मैरीगोल्ड है, तो ये भी कुछ इसमें भी कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो कि वर्बीना है। तो ये तो विंटर वाले थे। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपके सीजनल होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम कभी भी अपने पौधे प्लांट को छोटे गमले में लगाते हैं या बड़े गमले में लगाएं, जिसमें भी लगाएं वो अच्छे से चलें, हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ फूलों वाले पौधों की जो कि हम छोटे गमलों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाता है, सबसे पहले तो ये आता है, देखिए कैलेंडुला। तो कैलेंडुला को आप देख सकते हैं मैंने भी कितने छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में लगाया हुआ है, और इसमें इसने पूरी सर्दियों में बहुत अच्छे फूल दिए हैं। तो आप इसको छोटे से गमले में लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैं बात करूं क्लांचू की, तो क्लांचू एक सुकलेंट फैमिली का पौधा है और कटिंग से भी लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है, हो भी जाता है ग्रो। तो इसको भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। उसके अलावा ये जो आया है डायंथस का मेरा प्लांट, इसको भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि इन सभी फूलों वाले पौधों की इसलिए मैं बता रही हूँ छोटे गमलों में लगाना, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक, गहराई तक नहीं जाती हैं। तो इसलिए आप इनको छोटे गमलों में लगा सकते हैं, चाहे तो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, चाहे तो छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना बड़ा तो होना चाहिए। तो इस हिसाब से उसके अलावा पेंजी का प्लांट जो है उसको भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँ सबके फेवरेट प्लांट मैरीगोल्ड की, तो मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो भी आप छोटे गमले में लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको अगर आप बड़े गमले में लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ग्रोथ होगी और थोड़े ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो वैसे चल छोटे गमले में भी जाता है, तो इसलिए आप इसको छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप बड़े गमले में लगाएं। उसके बाद में बात करती हूँ वो कोने में रखा हुआ है बर्बीना, तो बर्बीना को मैंने भी छोटे से गमले में ही लगाया हुआ है, तो इसको आप और भी छोटे गमले में लगा सकते हैं। मेरा तो मेरे ख्याल से 4 इंच का पॉट है, आप उससे भी छोटे गमले में भी लगा सकते हैं तो चल जाएगा, लेकिन ये होता है क्योंकि इसकी जड़ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन छोटे गमलों में पौधे लगाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको हवा, पानी, धूप, खाद, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आपके एक छोटी सी जगह में भी आपके बहुत सुंदर बालकनी तैयार हो सकती है। तो जिन लोगों के लिए एक चीज़ और बताऊंगी, जिन लोगों के घर में इतनी जगह नहीं है लेकिन उन्हें पौधे लगाने का शौक़ है, तो वो इस तरीके से छोटे छोटे पॉट्स में इस तरीके के प्लांट लगा सकते हैं। जो भी मैं आपके साथ में आज डिस्कस कर रही हूँ, जो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो वाले प्लांट आप लगा सकते हैं और उनसे फूल भी पा सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ परमानेंट प्लांट है, जैसे कि ये हमारा क्लांचू है, जेरेनियम है, और ये पीस लिली का जो प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट हैं और फूलों वाले प्लांट हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखें ये क्लांचू जो है ये
फ्लावरिंग करता है, लेकिन फिर बीच साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है और फिर बीच में रेस्ट भी लेता है, लेकिन प्लांट हमेशा के लिए बना रहता है। इसी तरीके से जेरेनियम का प्लांट है और इसी तरीके से पीस लिली का प्लांट है। पीस लिली में किसी ने मुझे पूछा था कि फ्लावरिंग कब स्टार्ट होती है, तो अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है पीस लिली में। तो आप पीस लिली का भी पौधा लगा सकते हैं, छोटे गमले में चल जाता है, लेकिन ये इंडोर प्लांट है, इसको आप आउटडोर ना रखें। तो ये तो रहे थे फूलों वाले और सीजनल प्लांट। उसमें से कुछ प्लांट जो थे मैंने सीजनल बताए थे, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि ये हमेशा वाले हैं। अच्छा, अगर आप सीजनल के अलावा परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं छोटे गमलों में, तो छोटे गमलों में कौन कौन से आप प्लांट लगा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस वाले सुंदर से पौधे की। इसके कलर देखिए कितना प्यारा लगता है और ये कलर की वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी बैल्कनी में लगा हुआ बिल्कुल अलग सा लुक देता है, हालांकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्ते इसके, ये देखिए, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से ये जलने लगते हैं। और मैंने ये कटिंग से लगाया था और अब आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है, नई वो निकल आई हैं। तो इसका नाम है वॉन्डरिंग ज्यू। तो वॉन्डरिंग ज्यू को भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, ये एज ए क्रीपर भी इसको चला सकते हैं, और क्योंकि इसकी बेल होती है ये बहुत अच्छी लगती है, और आप छोटे से छोटे गमले में, बॉटल में, किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने वॉन्डरिंग ज्यू लगाया हुआ है, तो इसको भी आप छोटे से गमले में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक में लगाएं या मिट्टी के गमले में लगाएं। उसके बाद में बात करूंगी हम सबकी फेवरेट मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी आप देख सकते हैं छोटे से गमले में कितने अच्छे से चल रही है मेरी, और इसमें से मैंने कई सारी मनी प्लांट कट करके लगाई हैं और कई लोगों को दी भी हैं और दूसरे गमलों में भी शिफ्ट की हैं। तो मनी प्लांट भी ऐसी है, बस मैं बार बार वही बात कहूंगी कि छोटे गमलों में अगर आप लगा रहे हैं या छोटी बॉटल में लगा रहे हैं या प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा खाद पानी धूप का ध्यान रखना पड़ता है पॉट्स में। तो ये भी आप लगा सकते हैं और इसकी भी मैंने बात कर लिया। अच्छा, एक ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसको बोलते हैं जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसको आप लगा सकते हैं छोटे गमलों में। तो ये भी बहुत धीरे धीरे करके स्लो ग्रोथ होती है इसकी, लेकिन आप इसको छोटे गमले में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुंदर लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है और आप देखिए इसकी पत्तियों की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो जेट प्लांट को भी आप छोटे गमलों में लगा सकते हैं। और इसके बाद में मैं बात करती हूँ फाइकस पांडा प्लांट की। और आप देख सकते हैं कि इस टाइप का इसकी गोल पत्तियाँ होती हैं, और ये भी मैंने भी छोटे से ही गमले में लगाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। स्लो ग्रोथ होती है और आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। अगर बड़े गमले में लगाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन छोटे गमले में बना लगाएंगे तो ये आपके स्लो ग्रो करेगा, लेकिन लगने में बहुत सुंदर लगता है। और इसके बाद में मैं बात करती हूँ, ये बहुत ही अच्छी हर्ब है, अजवाइन का प्लांट। आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल मखमल की तरह पत्तियां होती हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इसमें बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती, और आप देख सकते हैं मैंने कप में लगाई हुई है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो आप अजवाइन को भी छोटे गमले में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, और जितने अगर बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत जल्दी फैलती है ये। तो इसलिए मैं तो छोटे से ही गमलों में लगाती हूँ इन प्लांट्स को। और इसके बाद में मैं बात करूंगी बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट और सबका प्रिय प्लांट है ये क्रोटन। तो क्रोटन को भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, और आप ये देखिए मैंने प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको 3 से 4 साल के बाद में, 4 साल के बाद में आप अगर इसको रीपॉट कर लेंगे किसी बड़े गमले में तो ये और अच्छे से चलेगा, अगर आप इसको छोटे ही गमले में रहने देंगे तो ये थोड़ा सा स्लो करके ग्रोथ करेगा। हालांकि मेरे क्रोटन में भी नई, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो 1 साल का पुराना क्रोटन है ये मेरा, 1 साल में इसकी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, तो आप इसको भी छोटे गमले में लगा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम को तो आप लगा ही सकते हैं किसी भी छोटे गमले में लगाने, यहाँ तक कि बॉटल में भी लगाएंगे आप तभी भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। तो आप इसको भी आसानी से अपने छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं।
और देखने में भी बहुत अच्छा प्लांट लगता है, इंडोर प्लांट है। और इसकी केयर वगैरह जितने भी मैंने आपको प्लांट्स दिखाए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं इनके ऊपर पर्टिकुलर स्पेशली मैंने अलग-अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं मेरी गार्डनिंग प्लेलिस्ट पर जा करके, आपको देखने मिल जाएंगे किसी भी प्लांट की अगर आपको अलग से केयर की आपको चाहिए तो वीडियो सब मिल जाएंगे आपको। तो ये वाले जितने भी प्लांट थे ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, छोटे गमले में लगा सकते हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो मैंने भी इन सभी प्लांट्स को छोटे छोटे पॉट्स में लगाया हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक पॉट है, चाहे वो मिट्टी के पॉट है, चाहे वो मेरे DIY वाले पॉट है। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।